इस घटना को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हनुमान जयंती पर इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई और वो भी उस इलाके से जो बेहद संवेदनशील है, फिर भी वहां पर पुलिस वाले मुस्तैद नहीं थे। आखिर क्यों? सुरक्षा तंत्र का मजाक बनाया गया। तस्वीर नंबर एक, जहांगीरपुरी में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। तस्वीर नंबर दो, शोभा यात्रा पर अचानक पथराव होने लगता है। तस्वीर नंबर तीन, कई गाड़ियां तोड़ दी जाती हैं, फूंक दी जाती हैं। तस्वीर नंबर चार, हिंसा पर उतारू हमलावर खुले तौर पर चैलेंज करते हैं। तस्वीर नंबर पांच, बेबस लाचार पुलिस वाले अपनी आंखों से हमला देखते हैं लेकिन तब कुछ कर नहीं पाते। लाठी डंडे और अन्य हथियारों से लैस हमलावर शोभा यात्रा की ओर टूट पड़ते हैं। इतनी बड़ी भीड़ के आगे पुलिस पस्त हो जाती है। यही वो पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरिकेड करके इस पूरे इलाके को जो है वो बंद कर दिया गया है ताकि लोग आगे से ना आए। ये पूरा सिचुएशन है जहाँ पर ये पूरी घटना हुई थी और पूरा आप इलाका देख सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर माहौल है। यहाँ पर कई सारी गाड़ियों को जो है वो आगजनी की गई, पथराव यहाँ पर लगातार हुए जो है। ये पूरी सिचुएशन है, लगातार पुलिस की तरफ से कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर इलाके को की जा रही है कि ताकि जो लोग हैं वो बाहर ना आए। आप देख सकते हैं कि ये जो बोतलें हैं वो यहाँ पर तोड़ी गई, चप्पलें जो है वो यहाँ पर लोगों को फेंकी गई। ये तमाम चीजें जो है आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके का माहौल जो है वो उस वक्त हुआ था कि यहाँ पर लगातार एक के बाद एक पत्थरबाजी जो है वो हुई थी। अब भारी पुलिस बल आप देख सकते हैं कि इस तरफ जो तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं दिल्ली पुलिस के, हेलमेट्स यहाँ पर लगाए गए, सेफ्टी गैजेट्स के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए। लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से पथराव यहाँ पर जो है वो हुआ है। पूरा इलाका जो है वो आप देख सकते हैं छावनी में इस वक्त तब्दील है और यहाँ पर बैरिकेड जो है वो कर दी गई है। लगातार जो बोतलें हैं वो एक दूसरे के ऊपर हमला जो है वो यहाँ पर किया गया। जहांगीरपुरी के सिंसा के बाद शोभा यात्रा में शामिल लोग दहशत में भर गए, वो जान बचाकर भागे। क्या था कि यहाँ से शोभा यात्रा जो जा रही थी तो कोई ऐसा हंगामा ही नहीं था, अचानक उनकी तरफ से पथराव हुआ। पथराव जब हुआ तो वहाँ से जो शोभा यात्रा में लोग थे वो भागे अपनी जान बचा के। फिर उसमें क्या हुआ कि बाद में जब लोग इकट्ठे हुए वहाँ से तो उन्होंने फिर जब पथराव किया फिर यहाँ से जो बंगाली थे वापसी भागे, फिर वहाँ से उनका हुजूम इकट्ठा हुआ दोबारा से। यात्रा में कितने लोग मौजूद थे? सर 1600 के करीब थे, और ज्यादा ही। हाँ जी, उससे ज्यादा ही थे शोभा यात्रा में। लेकिन सब तलवार दे के चले। मगर मेन क्या था कि जो शोभा यात्रा में थे, हम लोग तो आम आदमी है और जो बांग्लादेशी थे उनके हाथों में जो तलवारें थी, आदमी बंदूकें भी थी ना, बंदूकें भी थी, मतलब काफी चीजें थी। दूसरे पक्ष की दलील है कि पहले हमला उन्होंने नहीं किया बल्कि उन्हें उकसाया गया। ये पहले बजरंग दल वालों ने स्टार्ट किया, पहले उधर से बोतल आई फिर इधर से बोतल भी गया। ऐसा बात नहीं है, देखो दोनों तरफ से सेफ्टी हुआ लेकिन लड़ाई नहीं हुआ, दंगा नहीं हुआ। हम तो बस बजरंग दल वालों से यही कहेंगे कि भाई मोहब्बत में रहो, दो पल की जिंदगी है, इसमें कोई ड्रामाबाजी नहीं। तुम जिस तरह राम को मानते हो मानो, जिस तरह हम रहीम को मानते मानो। हिंसा का असल गुनहगार कौन है ये तो जांच में साफ हो जाएगा, लेकिन इस घटना को लेकर कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि क्या पुलिस को पहले से इस संवेदनशील इलाके की जानकारी नहीं थी? अगर जानकारी थी तो फिर क्यों शोभा यात्रा की सुरक्षा पुख्ता नहीं की गई? दिल्ली पुलिस ने एहतियात क्यों नहीं बरती? बीजेपी साजिश का आरोप लगा रही है। जहां पर बहुत कंजेस्टेड आबादी है वहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी बड़ी संख्या में घुसपैठ कर रहे हैं और दिल्ली सरकार उनको बिजली के कनेक्शन पानी मुहैया करा रही है, तो ऐसे में दिल्ली सरकार की भी ये जवाबदारी है कि उन लोगों को, ऐसे सांप्रदायिक उपद्रवियों को वो संरक्षण क्यों दे रहे हैं। शोभा यात्रा पे हुआ पथराव बड़ा ही दुखदायी है, ये दिल्ली की सोच और दिल्ली के कल्चर के खिलाफ है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि शांति बनाए रखिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो
तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखे। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। जहांगीरपुरी की हिंसा को लेकर बीती रात गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के मुखिया राकेश अस्थाना से बात की। पुलिस ने इस मामले में 10 टीमें बना दी हैं ताकि हिंसा के गुनहगारों को सबक सिखाया जा सके। जाहिर है इसी मसले को लेकर दिल्ली पुलिस की 10 टीमें बनाई गई हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, जांच कर रही हैं कि ये जो फसाद है ये शुरुआत कहां से हुई, क्यों हुई, कौन लोग इसमें शामिल थे और उनके खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन राजा के साथ तनसीम हैदर, दिल्ली आज तक। दिल्ली में हिंसा के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर बीजेपी के नेताओं ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सभी ने एक ही सुर में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जहांगीरपुरी में जो पथराव हुआ है उसको लेकर मैं कहना चाहता हूं कि शांति बनाए रखना, बिना शांति के तो देश तरक्की नहीं कर सकता। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर जरूरत पड़े तो जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखे। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखे। देखिए, वो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। आज तक पूछना चाहिए इनके पास विभाग कौन सा है दिल्ली सरकार में और उसकी आउटपुट क्या है, क्या आउटकम है उसकी, जरा पता तो चले। और दूसरा, दूसरे राज्यों में जाकर अधिकारियों की बैठक लेना, ये संघीय ढांचे पर एक प्रहार है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी आए थे, वहां पर इनकी नाकामयाबियां रही, सारी सीटों पर जमानत जब्त हुई और यहां पर अपनी सरकार चला नहीं पाते हैं और ठीकरा किसी और पर फोड़ने का काम करते हैं। ये जो वोट बैंक की राजनीति के कारण ये लोग देश में इस तरह का वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूं, ये नफरत के बीज बोने का काम जो विपक्षी दल कर रहे हैं अपनी राजनीतिक नैया को डूबने से बचाने के लिए, ये देश की जनता बड़े ध्यान से देख रही है। इनके कारनामे जनता ने पहले भी देखे, इनको पहले भी नकारा है और आगे भी जनता नकारेगी। हनुमान जयंती के जन्मोत्सव पर पथराव हुआ है, हमने अभी अभी वहां के पुलिस अधिकारियों से भी बात करी, एडिशनल DCP मौके पे मौजूद हैं, उनसे भी बात हुई। ये घटनाएं जो हैं ये अचानक नहीं हुई हैं, साजिश के तहत हो रही हैं। पुलिस तत्काल इसकी जांच करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। हालांकि वहां की स्थिति अभी सामान्य हो रही है, लेकिन जिन लोगों ने पत्थर फेंके हैं, जो लोग दिल्ली में साजिश के तहत हिंसा फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की कड़ी जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूं जहां से पत्थर आए हैं, जो भी दोषी है, उनके घरों की भी चेकिंग होनी चाहिए। उनके घरों में हथियार तो नहीं है, उनकी ID क्या है। मैं समझता हूं इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। कि हर बार जब भी कोई त्यौहार होता है, आज शोभा यात्रा निकल रही थी, उसमें पथराव हुआ। अभी कुछ दिन पहले हमने घटना देखी रामनवमी के ऊपर, जिस प्रकार से बाकी प्रदेशों के अंदर दंगा हुआ, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये साजिश हो रही है हिंदुस्तान को और दिल्ली को अशांत करने की। मैं एक बार फिर मांग करता हूं कि तुरंत से तुरंत कार्रवाई हो और मैं दिल्ली वालों से भी अपील करता हूं, कृपा करके शांति बनाए रखें। ये जो तत्व हैं, ये चाहते हैं कि दिल्ली अशांत हो, हम इसको होने नहीं देना।